नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबट न्यूज। खबर दानापुर से है। रेल पुलिस ने यात्रियों को नशा खिलाकर लूटने वाले जिला गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रेल पुलिस अधीक्षक AS ठाकुर ने बुधवार को दानापुर रेल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि एक ट्रॉली बैग में 4 मोबाइल, 60,000 नकद व 4 घड़ी बरामद की गई है। उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई को आसी दरभंगा के रहने वाले यात्री सतवीर कुमार साहू पुणे दानापुर से दानापुर स्टेशन उतरे। इसी दौरान एक युवक आया और बोला कि हमें भी दरभंगा जाना है, गाड़ी रिजर्व किए हैं, भाड़ा शेयर कर लेंगे। जब सतवीर कुमार कार में बैठे तो पहले से बैठे एक युवक ने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर लाया और सतवीर को पिला दिया गया, जिससे सतवीर बेहोश हो गए। कार में सवार तीनों ने उन्हें दिघवारा हाईवे के पास ले जाकर फेंक दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस अधीक्षक दानापुर के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया। इसमें कैमरा वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला कि गाड़ी तूफानी राय नामक व्यक्ति ने खरीदी है। टीम को सूचना मिली कि यह गिरोह पिछले 2 दिनों से फिर से किसी यात्री को नशा खिलाकर लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। गिरोह के सदस्य लोकेशन कभी राजेंद्र नगर स्टेशन पटना जंक्शन व दानापुर स्टेशन कभी बस स्टैंड पर बना रहे थे। बुधवार को दानापुर स्टेशन के पास तूफानी राय, अशोक सिन्हा व संजय झा को गिरफ्तार कर लिया गया। वही इंदल सहनी फरार है। तूफानी समस्तीपुर जिले के केसपट्टी थाने का रहने वाला है। अशोक सिंह एकंगर सराय व संजय झा शहबाजपुर मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और पुलिस इन सभी को फिलहाल जेल भेज दी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 1 जुलाई को दानापुर पुणे एक्सप्रेस में से एक यात्री सतवीर कुमार शाह दरभंगा के रहने वाले हैं, वो उतरे। उतर कर उनको दरभंगा जाना था तो वो पूछताछ काउंटर के पास ट्रेन का पूछताछ करने के लिए गए। वहीं पूछताछ काउंटर के पास एक व्यक्ति उनको मिले और बोले कि कहाँ जाना है। उन्होंने बताया दरभंगा जाना है, तो बोले कि हम लोग भी जा रहे हैं और पुल करके गाड़ी हम लोगों ने किया है, काफ़ी सस्ते में हो जाएगा, साथ में चलिए। ये उसके बाहर निकले तो दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में पहले से 2 व्यक्ति इंतजार कर रहे थे, उनके साथ ये बैठ गए और उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा लेके आते हैं, दूर जाना है, तो वो ले आए और उसका जैसे ही ये कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पिए तो ये बेहोश हो गए। इनको दिघवारा छपरा के पास एक खेत में इनको फेंक दिया गया था। स्थानीय पुलिस छपरा के द्वारा इनका इलाज कराया गया और उसके बाद पूरी घटना जब सामने आई तो रेल पुलिस पटना के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका बयान दर्ज किया गया और केस दर्ज किया गया। और उसके बाद जैसे पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन SIT का किया गया, जिसमें कि जयप्रकाश सिंह पुलिस नेतृत्व थानाध्यक्ष, रजित कुमार पुलिस नेतृत्व बक्सर, पंकज कुमार थानाध्यक्ष पाटलिपुत्रा, रोहित कुमार सिंह प्रभारी तकनीकी शाखा, संदीप कुमार सोनी थाना दानापुर, सिपाही संतोष कुमार तकनीकी शाखा, सिपाही पवन कुमार, सिपाही दीपक लकड़ा दानापुर थाना, रंजीत कुमार रेल दानापुर थाना, इनके साथ एक टीम का गठन किया गया, SIT का गठन किया गया, क्योंकि मामला नशा पुराने से संबंधित था। और इस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। सबसे पहले वो जो गाड़ी था उसका नंबर ज्ञात करना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसको हम लोगों ने जो अगल बगल का CCTV था उसके मदद से बहुत कठिनाई से उसको पहले नंबर प्राप्त किया गया। जब उसका नंबर प्राप्त हुआ और ओनर के पास गए, वो छपरा के थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी किसी को बेच दिया। जब उस जिसको बेचा गया गाड़ी उसका पता किया गया तो वो तूफानी राय नाम के व्यक्ति खरीदे थे। और वो उनका जब पहचान किया गया CCTV से यहाँ पूछताछ काउंटर में, तो उनका चेहरा मिलता जुलता पाया गया। उसके साथ साथ उनके 2 अन्य व्यक्ति अशोक सिन्हा और संजय झा का नाम आ रहा था। एक बड़े गैंग की तरफ इशारा हो रहा था। एक और व्यक्ति जो कि अभी नहीं पकड़े गए हैं उनका भी इसमें संलिप्तता पाया जा रहा था। टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बाद इसमें से व्यक्ति को एक पकड़ा गया और
तीनों व्यक्ति को जो इसमें अशोक सिन्हा है जो एकंगरसराय नालंदा के रहने वाले हैं वो गिरोह के सरगना है, पहले भी इनके ऊपर आपराधिक इतिहास है, आर्म्स एक्ट का केस है और ये काफ़ी दिनों से ये ग्रुप जो है गैंग कार्यरत है। लगातार इस घटना को करने के बाद छपरा रेलवे स्टेशन पर, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, दरभंगा, मधुबनी, कई अन्य जगह यात्रियों के साथ ये नशाकुरानी का कार्य कर चुके हैं और हम लोग इतना आपराधिक इतिहास संभालने का प्रयास कर रहे हैं। बरामद सामान में जो वैगन आर सफेद कार था BR22AD9909 वो बरामद किया गया है, ट्रॉली बैग बरामद किया गया है वादी का, मोबाइल चार, घड़ी चार और अन्य सामान काफ़ी मात्रा में बरामद किया गया है जो विभिन्न यात्रियों से लूटे गए थे। इसके बाद इन सभी का आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी अन्य जगहों से पता लगाया जा रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये लोग अभी संजोग की बात है कि एक दो दिन से इन लोगों का पता चल रहा था कि ये लोग दूसरी घटना करने के फिराक में थे और इनका जैसे ही लोकेशन पटना दानापुर रेलवे स्टेशन हुआ है कल से, तो उसके बाद ये फिर किसी घटना करने के फिराक में थे, यही दानापुर रेलवे स्टेशन से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तीनों की गिरफ्तारी दानापुर स्टेशन तीनों लोगों की, अशोक सिन्हा तूफानी राय, अशोक सिन्हा नालंदा के रहने वाले, तूफानी राय समस्तीपुर, संजय झा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और उनके एक साथी जो है वो उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। क्या लग रहा है सर कि इस तरह के जो है नशा गिरोह वाला सक्रिय फिर से हो गए हैं? नहीं, फिर से सक्रिय का बात तथ्य नहीं स्थापित हुआ है, लेकिन ये बात जरूर है कि यह गिरोह सक्रिय था और ये घटना करने के बाद पिछले 15-16 दिन में ये अन्य कई घटनाएं ये कर चुका है और उसके अलावा यह कई जगह अंतर्राज्यीय ये बेसिकली गैंग है, ये कई जगह ये घटना कर चुके हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका से टैबलेट ये करते हैं नशा का और इसको कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल